नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल्स एंड पीरियोडिक चेक्स यानी कि अलग अलग प्रकार के जो मशीन टूल्स रहता है उसी के बारे में और उसके साथ साथ उसका पीरियोडिक चेक करना है इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्सिस सब्जेक्ट कोड 102 सेफ्टी इंजीनियरिंग वन उसमें क्वेश्चन कुछ स्टेप कह रहता है वॉट आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल्स यानी कि अलग अलग प्रकार का मशीन टूल्स का क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक चेक फॉर सेफ ऑपरेशन और उसका पीरियोडिकल चेक करना सेफली ऑपरेशन के लिए हमें क्या क्या करना है उसी के बारे में हमें जवाब देना रहता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने काफ़ी सारे सेफ्टी रिलेटेड वीडियोस की रेडी लिंक विथ टाइटल रखा हुआ है आप उसमें से जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो रिलीज होगा तभी तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं मशीन टू पावर ड्रिवन मशीन विच इज यूज टू गिव ए शेप एंड साइज एंड एक्यूरेसी एज पर द ड्रॉइंग बाय मीन्स ऑफ रिमूविंग मेटल फ्रॉम द वर्क पीस दे आर क्लासीफाई इन टू यानी कि अलग अलग क्लासीफाई कैसे होता है क्या क्या होता है उसके अंदर मशीन में तो लेथ मशीन हो गया ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन हो गया ग्राइंडिंग एंड थ्रेड कटिंग मशीन हो गया मिलिंग मशीन हो गया प्लानिंग एंड सेपिंग स्लॉटिंग एंड ब्रॉचिंग मशीन ये अलग अलग क्लासीफाइड जो मशीन का रहता है पीरियडिक चेक्स की बात करें फॉर सेफ ऑपरेशन के लिए ये जो सभी मशीन का ऑपरेशन रहता है वो सेफली हमें ऑपरेशन करने के लिए पीरियडिक चेक करना बहुत ही जरूरी हो जाता है उसका प्रिडक्टिव प्रिवेंटिव करेक्टिव मेंटेनेंस इज द मस्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन शुड बी प्रॉपर्ली गार्डेड यानी कि आप जो भी मशीन का यूटिलाइज कर रहे हैं वो प्रॉपरली गार्डेड होना चाहिए ऑल पार्ट शुड बी प्रॉपरली वर्किंग यानी कि जो आप मशीन पे काम करने वाले हैं वो मशीन का सभी पार्ट्स जो है वो वर्किंग प्रॉपरली करता होना चाहिए प्रॉपर लिब्रिकेशन इन रोटेटिंग पार्ट्स यानी कि आप जो मशीन पे काम कर रहे हैं उसके अंदर जो जो रोटेटिंग पार्ट्स है उसका प्रॉपरली लुब्रिकेशन किया होना चाहिए ऑल सेफ सट डाउन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली वर्किंग यानी कि सेफली हमें सट डाउन सिस्टम करना है तो उसको प्रॉपरली वर्किंग के लिए हमें जो सट डाउन की रिक्वायरमेंट है वो करने का उसके बाद वो सिस्टम को प्रॉपरली सेफली करने के बाद ही उसके ऊपर वर्क करना है वर्न आउट पार्ट शुड बी रिपेयर और रिप्लेस यानी कि जब मशीन कंटिन्यूस चलता रहता है तभी उसमें आउट कुछ पार्ट्स हो जाता है या तो रिपेयरिंग करना पड़ता है या रिप्लेस करना है तो वो हमें वो चेकलिस्ट के हिसाब से करना है नो ओवर लोडिंग ऑफ मशीन शुड बी देर यानी कि मशीन का कैफिशेंसी कैपेसिटी जो चलाने का रहता है वो ओवर लोडिंग पे कभी भी आपको चलाना नहीं है नो लूज़ कनेक्शन ऑफ मशीन पार्ट शुड बी देर यानी कि आपका मशीन के अंदर कोई भी लूज कनेक्शन इलेक्ट्रिकल का हो या मिकेनिकली कोई आप उसके अंदर लगाया है नट नटबल्स है वो लूज कोई भी छोड़ना नहीं है इमरजेंसी शट ऑफ सिस्टम शुड वर्क एज पर एक्सपेक्टेशंस यानी कि आपका सेफ्टी का गोल है जो आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो इमरजेंसी सट करना है आपको तो वो जो सिस्टम है प्रॉपरली काम करता होना चाहिए पावर फेलियोर टेकल सिस्टम शुड बी वर्किंग प्रॉपरली देयर शुड बी नो लीकिंग ऑफ करंट एंड प्रॉपर अर्थिंग शुड बी प्रोवाइडेड यानी कि आप जिस मशीन पे काम करने वाले हैं जिस मशीन टूल पे आप काम करने वाले हैं तो वो जो इक्विपमेंट पे आप काम कर रहे हैं उसका अर्थिंग जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड किया गया होना चाहिए और उसमें से करंट जो है लीकेज नहीं होना चाहिए ऑपरेटिंग पर्सन स्किल टू ऑपरेट द स्पेसिफिक मशीन शुड बी एग्जामिन यानी कि आप जिस मशीन पे ऑपरेटर को रख रहे उसके पास स्किल ऑपरेटिंग होना चाहिए और वो स्पेसिफिक मशीन के लिए एग्जामिन होना चाहिए पीरियडिक मेंटेनेंस शुड बी डन एज पर शेड्यूल यानी कि हर एक मशीन का पीरियडिकल मेंटेनेंस रहता है उसके हिसाब से उसका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको उसका पीरियडिक मेंटेनेंस करना है चेक लिस्ट के हिसाब से चेक करना है और उसका जो शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से हमें मेंटेनेंस करना रहता है थैंक यू दोस्तों